हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अब बजे है सुबह का 6:55। तो 7 अभी तक नहीं बजे है सुबह का, और मैं सुबह उठी हूँ, 6 बजे ऐसे उठ गई हूँ। और तो अभी आपने देखा कि मैं किचन में खाना बना रही थी, क्योंकि मेरा पति को तो पता ही है आप लोगों को, तो लंच लेके जाएगा, तो इसलिए मैं सुबह, उसका जो ऑफिस वर्किंग डे है तो उसमें हम सुबह सुबह ही उठ जाते हैं। तो सुबह में उठ के शांति से काम करने का एक अलग सेटिस्फेक्शन है, तो ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं सुबह सुबह उठ के जो काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं शांति से कर सकती हूँ। बच्चे लोग सोते रहते हैं, देती बाबू सोते रहते हैं, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करते, तो सुकून से मैं काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए, बाहर का जो वेदर है वो सूदिंग वाला वेदर है। तो अभी तो वो बसंत ऋतु जो है वो आने वाला है, बसंत ऋतु, तो बहुत सुंदर है बाहर का वेदर। और कुछ देर पहले तो जो कोयल बाट होता है ना, कुकू बाट, वो भी गुनगुना रही थी, तो कुकू के करके वो जो डाकती है ना, तो डाक रही थी। तो बच्चे बहुत अच्छा लगते हैं जब कोयल बाट जब वो डाकती है, और एक सूदिंग सा वो जो विंड है, सूदिंग सा जो हवा है वो जब बहती है सुबह शाम। तो इस बसंत स्प्रिंग टाइम में तो ये बोल रही है कि स्प्रिंग इज़ कमिंग, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठकर, रिफ्रेश हो जाता है माइंड। तो चलिए, बाहर का जो नज़ारा है एक बार दिखा देती हूँ। तो मैं गांव की लड़की हूँ, लाइट नहीं आ रहा है ऐसे करके बैठे। तो मैं गांव की लड़की हूँ, तो सुबह सुबह नींद से उठना मेरा हैबिट है, मैं बहुत देर तक नहीं सो पाती। तो इसलिए ये जो मॉर्निंग जो वेदर होता है, ये पंछी गा रहे हैं, बुला रहे हैं, ऐसे सुंदर एक स्मूदिंग सा वेदर होता है ना, तो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे है। जब मैं मायके में था शादी से पहले, तो हम सुबह में उठ के ट्यूशन जाते थे जब स्टूडेंट थे, और फिर मैं होम ट्यूशन भी कराती थी मैं, तो मैं पढ़ाती थी, तो मेरे घर पे बहुत सारे स्टूडेंट आते थे सुबह सुबह, 6:30 बजे आ जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था जो उठना। तो अभी भी वो हैबिट मेरा हैबिट है सुबह उठना, क्योंकि मेरा हस्बैंड को निकलना पड़ता है जॉब के लिए, और मुझे सुबह उठना पड़ता है, उसका लंच बनाना पड़ता है, तो इसलिए सुबह उठना का जो हैबिट है वो मेरा रहे है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, आप लोगों को कैसा लगता है सुबह में उठना? तो बहुत लोग है जो लेट पर्सन है, लेट को सोते हैं रात में और लेट में उठता है, और बहुत सारे लोग है, वो ठीक है, उसका लाइफ जैसे है ऐसे है, मैं उसको कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं जो हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह उठ जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कैसा लगता है सुबह में उठ के काम करना, और ये तो कमेंट में बताना फ्रेंड। और एक बात बोलूँ, जो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको मेरा बहुत दिल से शुक्रिया। आप लोगों का एक दो कमेंट ही हम जैसे न्यू यूट्यूबर लोगों को बहुत इंस्पिरेशन देते हैं नए नए काम करने का। तो चलिए, देखते हैं वहाँ पर जो किचन में जो कारी हो रहा है, और ये जो कारी है इसको बंगाली में बोलते हैं बांधा कॉपी दिए मुड़ो घंटो। तो जो फिश हेड होता है तो उसको तो मुड़ो बोलते हैं, मुड़ी, तो फिश हेड से कैबेज विथ फिश हेड्स कारी, तो ये बहुत पसंद है मेरे फैमिली को, और मुझे लगता है मेनी बंगाली फैमिली लव्स इट। तो मैं वही कर रही हूँ सुबह उठ के, और राइस कर रही हूँ, और एक कारी कर देंगे, तो हम दिखाते हैं क्या क्या आज लंच बॉक्स में है मेरा पति का।
और वो जो थोड़ा सफाई वफाई है, तो ये घर जो है ये बहुत बिखरा पड़ा है, तो वो भी सफाई करना है। तो चलिए देखते हैं वो कार्य क्या हुआ, कैसा हुआ, और जो काम है वो जल्दी से निपट लेते हैं। और काम निपटाने के बाद फिर हम पियेंगे सुबह वाला चाय। लिए ये सब क्लीन कर लेते हैं और फिर चाय बनाते हैं। तो क्लीनिंग नहीं दिखाई क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर ली, तो क्लीन के बाद दिखाई। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अब बजे है 7:20। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर दूसरे दिन मिलेंगे एक नए वाला ब्लॉग लेके।